बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन बाय मनज़ा वकार। और मैं आपकी होस्ट मनज़ा वकार आपसे बात कर रही हूँ। व्यूअर्स, मैंगो का सीज़न फुल है, इस वक्त फुल पीक पे है और मार्केट में बहुत ही अच्छे आम आए हुए हैं, सही बिग साइज़ में। तो मैं आज आपको मैंगो जूस बनाना या मैंगो फ्रूटी बनाना बताऊँगी। मैंगो जूस बच्चों बड़ों सबका फेवरेट है और बहुत ही मज़े का लगता है गर्मियों में ठंडा ठंडा मैंगो जूस। तो मैंगो जूस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें दो मैंगो चाहिए बिग साइज़ में, जिनको मैंने छिलका उतार के ऐसे काट कर लिया है। और फिर हमें आइस क्यूब चाहिए, पानी चाहिए ठंडा, और लेमन जूस चाहिए। इसमें ना हमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस चाहिए और व्यूअर्स 3 टेबलस्पून हमें शुगर चाहिए, और ये 1 टेबलस्पून हमें चंक्स चाहिए मैंगो के। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ये बहुत ज़रूरी है और इट्स टोटली फ्री। तो चलें व्यूअर्स, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम ब्लेंडर जग में ये मैंगो के चंक्स डालेंगे सारे। पीछे करो कैमरा। चीनी डालेंगे, लेमन जूस, और पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अमूमन लोग मिल्कशेक बनाते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, और मैं आज आपको मैंगो जूस बनाना बताऊंगी कि जो कि मार्केट में भी अवेलेबल है और बहुत पसंद किया जाता है, और ये मार्केट से ज़्यादा अच्छा आपका घर में जूस बनेगा। आइस क्यूब डालेंगे, थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, व्यूअर्स मैंगो जूस हमारा बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त सा। अब मैं ग्लासेस में पोर करूँगी। व्यूअर्स, ये मैंने मैंगो क्यूब को कट करके सेंटर में से तो ऐसे ग्लासेस पे लगाया, ये देखें, ये सेंटर में से कट करके ऐसे आपने ग्लासेस पे लगा देना, बहुत इजी है। और अब मैं ग्लासेस में जूस पोर करूँगी। ज़बरदस्त हमारा जूस रेडी है। व्यूअर्स, मैंगो जूस हमारा बिल्कुल रेडी है। एंड में जो मैंगो चंक्स मैंने छोटे छोटे रखे हुए थे वो डालेंगे, और इतना मज़े का ये बना है। मैंगो चंक्स डालेंगे ग्लासेस के ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त है। मेहमानों को सर्व करें, अपने लिए बनाएं, बहुत ही आपको मज़ा आएगा और बहुत ही रिफ़्रेशिंग और एनर्जेटिक। और ये भी ये जैसे बॉटल्स मिलती हैं जूस की, ये मेरे पास थी, तो आप ऐसे बॉटल्स बना के फ्रिज में भी रख सकती हैं, बच्चों को भी दे सकती हैं। आई होप आपको आज की मेरी ये ड्रिंक बहुत पसंद आएगी, तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस।